जी अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आप कैसे बआसानी ले सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है, कमेंट में पूछा है कि हम काफ़ी ज़्यादा टेंडर्स जो है ना अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें टेंडर्स नहीं मिलते, तो हम करें तो हम करें क्या? तो इसका एक आसान हल है, और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जब आप कोई भी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो आपका ताल्लुक जिस भी सूबे या शहर से है, तो जाहिर बात है आपके उस पर पैसे भी लगते हैं और आपका टाइम भी इन्वेस्ट होता है। और उसके अलावा जब आपको कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड ना हो, तो उसके बाद मायूसी भी होती है, परेशानी भी होती है, तो काफ़ी सारे मसले होते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक नहीं काफ़ी सारे बेहतरीन टिप्स देने लगा हूँ। अगर आप वो अप्लाई करेंगे तो मैं कहता हूँ कि आप जाना खुश हो जाएंगे और आप लोगों को टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपकी ये जो परेशानी है ये परेशानी 100% ख़त्म हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई, ये जो डिस्कशन टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है जो कि बिजनेस पर्सन हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कि ठेकेदार हैं, जो कि इंजीनियर्स हैं, जो कि बिजनेस कर रहे हैं। तो जाहिर बात है हर कोई चाहता है कि हमें टेंडर्स मिलें, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों की जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि टेंडर्स, डिज़ायर टेंडर्स मतलब अपनी मर्जी के टेंडर्स आप कैसे सर्च कर सकते हैं, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी शहर से है, सूबे से है या फेडरल से है। तो इसके लिए मैंने एक बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। आप अपने डिज़ायर मतलब जो आप चाहते हैं, आपको किस तरह के टेंडर्स मिलने चाहिए या आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप वहाँ कैसे सर्च कर सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, जो कि आप मेरे सी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, आई थिंक टेंडर्स के नाम से कुछ इस तरह का कोई प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप नहीं जानते कि टेंडर्स कैसे सर्च करते हैं, डिज़ायर टेंडर्स मतलब अपनी मर्जी के टेंडर कैसे सर्च करते हैं, या कहाँ से आपको सर्च करनी चाहिए, कौन कौन सी वेबसाइट्स आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो वहाँ वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी जो है ना हेल्प मिल जाएगी। लेकिन आज का जो डिस्कशन टॉपिक है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि कमेंट करके पूछते हैं कि यार हम टेंडर अप्लाई भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे, हमें अवार्ड नहीं हो रहे और हम काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं। ओबियसली जब आप गवर्नमेंट के टेंडर अप्लाई करते हैं उसके लिए जाहिर बात है आपके पास जो सिस्टम है, जो इंजीनियर को हायर करना, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन लेना, और उसके अलावा PWD या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, या इसके अलावा जिस भी हाउसिंग सोसाइटी या जिस भी डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी भी सूबे की डेवलपमेंट अथॉरिटी में जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो ओबियसली आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी रजिस्ट्रेशन ली हुई होती हैं। तो जाहिर बात है आप काफ़ी ज़्यादा पेमेंट भी आप कर चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको टेंडर नहीं मिल रहे तो मायूसी तो होगी। लेकिन उस इस चीज़ की तरफ जाने से पहले कि आप टेंडर्स बआसानी कैसे ले सकते हैं, उससे पहले मैं आप लोग को मतलब बैकग्राउंड में जाना मैं बेहतर समझता हूँ, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ लेंगे। पहली बात तो यह है कि भाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे या जो भी बिजनेस करना चाहेंगे, आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, आपसे पहले ऑलरेडी माफिया बैठे हुए होते हैं। चाहे कंस्ट्रक्शन बिजनेस की हम बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल बिजनेस की बात करें, चाहे हम मैकेनिकल वर्क की बात करें, चाहे हम सर्विसेज की बात करें, चाहे हम स्टेशनरी की बात करें, चाहे हम गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, जिस भी बिजनेस की बात करें, जाहिर बात है जब भी आप बिजनेस शुरू करेंगे आपसे पहले ऑलरेडी लोग मार्केट में जो होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं। जाहरी बात है जब आप टेंडर अप्लाई करते हैं, कोई भी टेंडर जो है ना पब्लिश होता है पब्लिकली किसी भी न्यूज़पेपर पे, तो उसमें काफ़ी लोग हंड्रेड्स ऑफ फिर्म्स या पर्सन जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग उसमें बिड करते हैं, लेकिन अवार्ड किसको करते हैं, वो जो लोएस्ट रेट पे है। तो जाहरी बात है जो कंपनी को अदारे को सही लगेगा, जाहरी बात है जहाँ उसको जो है ना कम पेमेंट करनी पड़े, तो जाहरी बात है काम तो उन्होंने उनको ही देना है। लेकिन एक बात मैं करता हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस शुरू किया, और कोई भी बिजनेस है, हम मिसाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का काम मैंने शुरू किया, एक एग्जांपल है। अब कंस्ट्रक्शन का एक टेंडर
जो कि पब्लिश हुआ किसी भी न्यूज़पेपर पे। अब मैं जाके वो करूँगा, अब देखिए मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे जितने कि ऑलरेडी जो कंट्रैक्टर्स मार्केट में हैं, जो कि 10 साल 15 साल 5 साल से हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास रिश्वत देने के लिए भी पैसा है, ओके उनके पास मुकमुका करने के लिए भी पैसा है। तो जाहिर बात है अब जो मैं बिड दूंगा उनको, मैं जो भी बिड दूंगा, मैं अपनी तरफ से कम प्रॉफिट कर रख के भी जो भी बिड दूंगा उनको, तो जाहिर बात है जो लोग 10 साल या 15 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो मुझसे जो है ना कम रेट देंगे। तो अब काम किसको मिलेगा? जाहिर बात है काम उसको मिलेगा जो कम रेट देगा। तो अब इसमें जाहिर बात है जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसे अप्लाई करता जाऊंगा, तो एक वक्त आएगा मैं मायूस हो जाऊंगा, मैं कहूंगा कि यार जितनी भी रजिस्ट्रेशन हैं, मेरी रजिस्ट्रेशनें भी पूरी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की, चाहे ये लोकल गवर्नमेंट के हों, चाहे वफाक के हों, चाहे किसी भी सूबे के हों। तो उसमें जो कंपटीशन की अगर हम बात करें तो उसमें बिल्कुल कंपटीशन है, उसमें आप कंपटीशन से नहीं बच सकते। उसमें जो माफियाज हैं आप उनसे नहीं बच सकते, आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, आप उनसे टैकल नहीं कर सकते। आप जो मर्जी है करें, जो लोग ऑलरेडी जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि ये नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, आप कोशिश ज़रूर करें। जाहिर बात है इसमें कोशिश क्या है, अगर आप एक महीने में 10 कॉन्ट्रैक्ट्स अप्लाई करेंगे तो उन 10 कॉन्ट्रैक्ट्स में से 10 टेंडर अगर आप अप्लाई करेंगे, 10 में से हो सकता है आपको एक या दो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हों, दो भी बड़ी मुश्किल है, शायद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिले, आपको शायद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो। जाहिर बात है जो आपने 9 कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किए वो तो आपके वेस्ट जाएंगे। तो मतलब कहने का यह है कि आपका पैसा भी ज़ाया हो रहा है, टाइम भी ज़ाया हो रहा है, और कभी कभी आपको मायूसी भी होती है। लेकिन भाई मैं ये समझता हूँ कि जो भी इंजीनियर बिजनेस पर्सन, जो भी जो टेंडर अप्लाई करने के शौकीन हैं, जो कहते हैं कि यार हमें कॉन्ट्रैक्ट्स बनो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल जिस भी डिपार्टमेंट के हों, मैं इस काम में खुद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूँ, पैसा भी लगा चुका हूँ। अब जो इस वक्त मेरी कंपनी है, जो फिल्म है, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड भी है। जिन जिन अदारों में मैं कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहता हूँ वहाँ भी मैं रजिस्ट्रेशन ले चुका हूँ। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा पैसा कर चुका हूँ इस चीज़ पर। लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है, तकरीबन आज से 4-5 साल पहले मैंने जब काम शुरू किया, क्योंकि मैं इंजीनियर था और मैंने काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि यार मैं अपनी बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन या बाकी जो रजिस्ट्रेशन होती हैं मैं उनकी तरफ नहीं गया। मैंने क्या किया, मैंने प्राइवेट जो कंपनीज हैं, जो फिल्म्स हैं, उनसे कंटेक्ट करना शुरू किया, रब्ता करना शुरू किया। तो अब मैं आप लोगों को भी ये मशवरा दूंगा कि अगर आपको टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे, अगर आप मायूस हैं, सबसे पहले आप ये करें कि अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से तो ये कहते हैं ये तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है, सिर्फ NTN रजिस्टर्ड है और कंपनी जो है ना आपने ऐड किया हुआ है FBR पोर्टल पे, मतलब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है या आपकी कोई भी कंपनी है, फिर भी आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लिए बगैर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। जी हाँ, कैसे? नंबर वन तो यह है कि मेरे भाई आप कंपनी की प्रोफाइल बनाएं, बेहतरीन प्रोफाइल बनाएं, और उसके अलावा जो है ना आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना जितने भी आपका ताल्लुक जिस भी शहर से है आप वहाँ चेक करें कि भाई कितने टेलीफोन कंपनीज वहाँ काम कर रही हैं, कितने बैंक्स हैं, मतलब प्राइवेट जितनी भी कंपनीज हैं आप उन सबसे कॉन्टेक्ट करें, उनको ईमेल करें, उनके ऑफिस में जाके उनसे मिलें, उनको बताएं अपने बारे में, उनको कंपनी प्रोफाइल दें, उनसे कहें कि यार मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने अब तक ये प्रोजेक्ट किए, या मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरे पास ये टीम है, मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर तो आप उनको अगर उनको आप पे कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ये पर्सन जो है ना ये कर सकता है, अगर आपकी जो प्रोफाइल है कंपनी की उसमें अगर कुछ पावर है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बताऊं कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जब मैं बिल्कुल फ्रेश इंजीनियर था, मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, ना तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड थी, कुछ भी नहीं था,
तब जो मुझे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला वो मुझे एक टेलीफोन कंपनी का मिला। तो सेम अगर अब अगर आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त कितने टेलीफोन कंपनीज काम कर रही हैं, कितने बैंक्स हैं, कितने जो है ना प्राइवेट अदारे हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं। तो आप मुझे बताएं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अगर वो एक बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो जाहिर बात है उनको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो छोटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगे या इंडिविजुअल को कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो उनको कम पेमेंट में उनका सारा काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप खुद पे कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बजाय इसके कि आप रजिस्ट्रेशन पे पैसा खर्च करें, पैसा बर्बाद करें, आप टाइम खर्च करें, टाइम जो है ना बर्बाद करें जो है ना गवर्नमेंट टेंडर्स के पीछे। जब आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं तो आपको गवर्नमेंट के टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे अवार्ड होंगे, नहीं हो सकते मेरे भाई। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा, नंबर वन तो आप कंपनी की प्रोफाइल बनाएं, नंबर टू थोड़ी सी अच्छी लुक भी बनाएं, एक सही ड्रेस करें, और उसके अलावा डिफरेंट कंपनीज को सर्च करें गूगल में, आप पता लोग जहाँ से भी है, और कंपनीज से, अदारों से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, डायरेक्टर से आप मिलना शुरू कर दें, प्रोक्योरमेंट मैनेजर से, सेल्स मैनेजर से आप मिलना शुरू कर दें। उनको अपने बारे में बताएं, उनको अपनी कंपनी के बारे में बताएं, ताकि उनको आप पे इतमाद हो जाए कि हाँ आप ये काम कर सकते हो। जी कितने बैंक्स हैं, कितने टेलीफोन कंपनीज हैं, कितनी कंपनियां इस वक्त काम कर रही हैं जो कि छोटी कंपनियां शुमार होती हैं, मतलब काउंटिंग में आती हैं, तो लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे। तो अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है कंपनी प्रोफाइल बनाएं, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाएं, और एक अच्छी सी ड्रेसिंग करें, कंपनी से आप ईमेल करना शुरू कर दें, उनको लेटर भेजना शुरू कर दें, उनसे मिलना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट टेंडर्स के पीछे जाएं, आप जो है ना 2% जो है ना वो भी जमा कराएं, आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स के भी पैसे जमा कराएं, फिर अवार्ड वाले दिन आपको अवार्ड भी ना हो, फिर जो आपने जो है ना अब जो दूसरी अमाउंट जमा कराई हुई होती है तब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, तो उसको भी रिफंड मिलने में आपको 10 से 15 दिन लगते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपना टाइम या पैसा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई करें, अगर आप इनिशियली बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हैं, तो मेरे भाई आप प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करें, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप जो है ना काफ़ी सारी कंपनीज, अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप गूगल करें पे अपने शहर में कौन कौन सी कंपनीज हैं, आप मतलब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, उनके पास आप जाएं, आप उनसे कहें कि यार हम आपके पास एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे। और इसके अलावा कुछ प्राइवेट जो है ना कंस्ट्रक्शनें हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल हुसैन सोसाइटी में कोई एक प्लाजे की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उसमें आप इलेक्ट्रिकल वर्क का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं जो कि सब कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। इसके अलावा आप प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, जाहिर बात है आप 5 to 6 स्टोरी बिल्डिंग है तो उस पर जो है ना काफ़ी सारे पैसे आपको बच सकते हैं। अगर आपके पास टीम है, अगर आपके पास प्रोफाइल है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, तो आप बिजनेस कर सकते हो। तो मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, ना तो मेरी कोई इतनी ज़्यादा एज है और ना तो जो है ना कोई ख़ास एक्सपीरियंस है, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ नहीं जाता, रजिस्ट्रेशन मेरी पूरी है, मैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ वो मैं प्राइवेट कंपनी से लेता हूँ, मैं डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज से लेता हूँ, मैं जो है ना जो प्लाजे बन रहे होते हैं उनसे लेता हूँ, जो जो है ना कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्ट जो कंट्रैक्टर होते हैं, जो टॉप कंट्रैक्टर होते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ कि मुझे ये कंट्रैक्ट चाहिए। और दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट के जो कंट्रैक्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी आपको पेपर वर्क करना पड़ता है, अप्लाई करने से लेकर अवार्ड होने के बाद अप्रूवल तक काफ़ी सारे मसले होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अगर आपने मेरी बात समझने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, तो इस तरह आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, प्राइवेट अदारों से आप कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। और बाकी यह है कि आप लोग ये भी क्वेश्चन करते हो कि यार कॉन्ट्रैक्ट्स का, कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि टेंडरिंग अप्लाइंग प्रोसेस क्या है, मतलब अप्लाई करने से अवार्ड होने तक क्या होता है, फिर अप्रूवल, ये सारी चीज़ें। तो वो एक मैं समझता हूँ कि एक उस पर टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाऊँ जो कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पे समझा सकूँ, ऐसे आप लोगों को बाई फोर्स फेस, और यदि मैं शायद आप लोगों को समझा ना पाऊँ तो उसमें मैं एक बहुत ही बेहतरीन जो है ना प्रेजेंटेशन बनाऊँगा। अगर आप गवर्नमेंट टेंडर भी लेना चाहते हैं तो वहाँ वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन मिल जाएगी,
और फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ जाते जाते आप लोग को एक और चीज़ भी बताऊँ, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स वो लें जिसमें आपको कम, मतलब उसमें टीम मेंबर जो है ना वो आपको कम चाहिए। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कंस्ट्रक्शन का, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क क्या है, आपने सिर्फ एक वाशरूम बनाना है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपको एक प्लाजे का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या करना है, 6-स्टोरी प्लाजा है जिसमें आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करनी है। अब इन दोनों में मैं आपको डिफरेंशिएशन समझाऊंगा कि आप लोगों को इन दोनों में अगर चूज करना पड़ जाए आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लें। अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे जिसमें आपने वाशरूम की कंस्ट्रक्शन करनी है, उसमें आपको मटेरियल वाले से भी वास्ता पड़ेगा, उसमें आपको मेसन या जो है लेबर से भी वास्ता पड़ेगा, उसमें आपको स्टील वाले से भी वास्ता पड़ेगा, उसमें आपको टाइल वाले से भी वास्ता पड़ेगा, उसमें आपको टाइल फिक्सचर वाले से भी वास्ता पड़ेगा, उसमें आपको प्लम्बर से भी वास्ता पड़ेगा, उससे आपको इलेक्ट्रिशियन से भी वास्ता पड़ेगा। देखें एक वॉशरूम बनाने के लिए आपको कितने सारे लोग चाहिए, आप मैं मिलकर तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अब दूसरी बात है कि एक प्लाजा में 6-स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें आपने वायरिंग करनी है, उसमें क्या करना है, आप परचेज करेंगे जो भी सामान आपको चाहिए, एक या दो इलेक्ट्रिशियन पकड़ेंगे और आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको भेज दें या खुद भी आप उसकी मॉनिटरिंग करते रहें, वो दो बंदे दो या मतलब 2 वीक्स में उसकी कंप्लीट वायरिंग कर देंगे। अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यार आप इस तरह प्रोजेक्ट को कंपेयर भी क्या करें। अब एक वॉशरूम के प्रोजेक्ट में आपको पैसे भी कम बचेंगे और कितने सारे लोगों से आपको वास्ता पड़ेगा। और दूसरा जो काम है इलेक्ट्रिकल का, मतलब कि आप टाइप ऑफ वर्क को लाजमी कंपेयर किया करें। अगर आप टाइप ऑफ वर्क को कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको लॉस होगा, आपका पैसा भी ज़ाय होगा, आपका टाइम भी ज़ाय होगा और आप मायूस भी होंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है टेंडरिंग के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, और इसके अलावा अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई मसला आ रहा है पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल में या कहीं भी और, तो आप मुझसे, आपका कोई भी मसला है आपको मुझ सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, बैंकिंग के हवाले से भी मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपलोड करता होता हूँ जो कि आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, लाने के बाद।